थोड़ी थोड़ी है लापरवाही भी, थोड़ी गंदगी की आदत लगी। थोड़ी थोड़ी है लापरवाही भी, थोड़ी गंदगी की आदत लगी। कचरा करेंगे पर नहीं लेंगे जिम्मेदारी। हाँ जिम्मेदारी जिम्मेदारी जी। सुनो सुनो भैया जी, फूफा जी, काका जी, सुनो सुनो दीदी जी, बुआ जी, माता जी। गंदगी है टेंशन बड़ी, टेंशन बड़ी, हाँ टेंशन बड़ी। लाएंगे साथ में सैकड़ों बीमारी, बीमारियां कर जाएंगे तिजोरियां खाली। पछताने से अच्छा है समझो, दूर रहो गंदगी से और स्वस्थ रहो। चलो साफ करें, साफ करें, साफ करें, साफ करें, चलो साफ करें, आओ नई शुरुआत करें। साफ करें, चलो साफ करें, साफ करें, साफ करें, साफ करें, चलो साफ करें। बेटा ये घर नहीं ससुराल है, ससुराल जी। हाँ, यहाँ एकदम टाइट रहना है। टाइट टाइट का मतलब समझे हैं? है? इज्जत दोगे ना तो इज्जत मिलेगी। ये नहीं घर जैसा कि मन के पसर दिए, मन के गुलट लिए और का हाल बना लिया है। बाल बाल ठीक करा ले। पापा बाल को क्या हुआ, बाल तो ठीक ही है ना। ठीक है। अच्छा तुम्हारे माँ का तो बता दिया है ना, रसम पूरी होते ही हम निकल लेंगे। हैं? वैसे भी ससुराल में ज़्यादा रुकना नहीं है। पापा मैंने माँ को बता दिया है और हम टाइम पे निकल जाएंगे। ठीक है अभी? बिल्कुल। चलिए चलो। अरे बातों बातों में पता नहीं चला और घर भी आ गया। घर ये घर नहीं ससुराल है। घर और ससुराल में हमेशा अंतर रहे, समझे? ठीक है पापा, आपकी सारी बातें मुझे याद रहेगी। चलिए अब चलो। चल बेटा। अरे अरे संदीप जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आई 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 आई। अरे कैसे हो बेटा, खुश रहो, जीते रहो। संदीप जी, हाँ बहुत अच्छा लगा। आइए बैठिए, बैठो बेटा, बैठो। अरे बैठिए, कोई तकलीफ वगैरह रास्ते में तो नहीं हुई ना? नहीं बिल्कुल। अरे सुनती हो, क्या हुआ? जवाई और संदी जी आए हैं, गुड़ और पानी लेके आओ। अभी लाते। क्या है संदी जी, हम लोग की यहाँ की परंपरा है, जब कोई बाहर से आता है तो उसे हम सबसे पहले गुड़ फिर बाद में पानी देते हैं। आदमी थक जाता है, जो भी धूल धूल सब बिल्कुल सफा हो जाता है। हाँ खुश रहो, खुश रहो। रख दीजिए, रख दीजिए, रख दीजिए। ये तनिया सामान लेके अंदर लेके जाकर रख दे बेटा। जी समधी जी, इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत है भाई साहब, वैसे भी हम लड़का वाले हैं ना, और समधी जी जितने दिए हैं उससे कम ही है। जीजा जी आइए, आप हमारे साथ आइए। आते हैं जी। जा बेटा जा जा। ओह माय गॉड, Hug me, yes. Please. How are you? बढ़िया बढ़िया। बैठिए 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 बैठिए। आइए आइए। मिसेज नहीं आई? अरे वो थोड़ी व्यस्त थी, वैसे घर भी संभालना पड़ता है ना। मैं भी तो घर संभालता हूँ। एक्चुअली बात ये है, जो आज का लंच है ना, आप मेरे घर पे करेंगे, ठीक है? ओके। हमारे यहाँ पे एक धनवंती है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, क्या मछली बनाती है। हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ अवसर होता है हम उसे बुलाते हैं। अरे हमारे बद्री बाबू का कब से मन था कि आप आए तो आपको दावत पे बुलाएं। अरे बद्री बाबू है इतने प्यारे, हम इनकी बात कैसे काट सकते। और रही मछली की बात, अरे मछली तो हमें बहुत ही भाती है। बद्री बाबू मछली के लिए तो हम पक्का आएंगे और डट के खाएंगे। मछलियां खरीद लीजिए, हम लोग सब आ रहे हैं खाने के लिए। अच्छा जीजा जी ये बताइए, सोनम दीदी को क्यों नहीं लाया अपने साथ? अगला बार जरूर लेके आएंगे, हमारा भी कहाँ मन लगता है उनके बिना। पर क्या करें, हमारे यहाँ का रसम ही कुछ ऐसा है। वैसे पलक कहाँ है, पलक नहीं दिखाई दे रही है। अरे दीदी ना मामा के यहाँ गई है, ये सब बात छोड़िए, पहले सोनम दीदी को फोन लगाइए। हाँ लगाते लगाते हैं। वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे चाटिए कम, पहले फोन लगाइए। अरे एक मिनट तो दीजिए, रिंग हो रहा है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ ये झलक से बात करो। हेलो। हाँ दीदी कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा सुनो, इन लोगों को ना धनवंती के हाथ की मछली जरूर खिलाना, दिन भर रखते रहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है मैं जरूर खिलाऊंगी। अच्छा सुनो, शादी का लड्डू कैसा लगा? अभी तक तो मीठा मीठा है, देखते हैं आगे राम जाने।
अच्छा ठीक है दीदी, ओके ओके बाय बाय। ठीक है, ये लीजिए। वैसे हमसे नहीं पूछिएगा का कि शादी का लड्डू कैसा लगा? अरे पूछेंगे पूछेंगे, पहले चलकर मिठाई तो खाइए। अच्छा हाँ, सुना है आपने ससुराल आने की खुशी में कुछ खाया नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी हो गई थी क्या? आप भी ना अपनी दीदी जैसी शरारती हैं। चलिए 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 आइए। बहुत मजा आया। अरे ये देखो, ये देखो, ए धर्म पत्नी। क्या बोले बुड़बक? अरे मेरा मतलब है ए धनवंती। हाँ। देखो 2 महीना हो गया तुम्हारे हाथ का मछली खाए हुए। अरे कभी हम पे भी कृपा करो, हम कौन घर है। चल बिंद मछली नृत्य बन बिजली। अरे धनवंती जरा मुखिया पे भी ध्यान दो। मछली कब खिलाएगी? अरे अगले सप्ताह पक्का खिलाएंगे। हाँ तो इस धनवंती जी को आप लोग शायद भरपेट नहीं जान रही, ये जितना बढ़िया मछली बनाती है उससे ज्यादा बढ़िया बेवकूफ बनाती है। 3 महीना से डेट दे रही है मछली खाने के लिए, वो कोर्ट के जज की तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हे पाबुंदी, वो तारीख आ गई है। सच्चो? हम पक्का खिलाएंगे। हाँ धनवंती, अरे हड़बड़ा के कहाँ जा रही हो? अरे हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ अरे ये जो है ना एकदम रेलगाड़ी है, एक बार चलती है तो अगले स्टेशन पर ही जाके रुकती है। अरे आज कौन सा स्टेशन है भैया? कौन सा स्टेशन रहेगा, वही अपने बद्री चाचा का घर। पता नहीं का लोचन चाचा के दामाद का खाना उन्हीं के घर तो बन रहा है। अरे बल्लू क्या सोच रहा है भाई? अरे मुखिया जी सोचना का है, चलिए चलते हैं, घूस के मछली और चावल जो है चाप लेते हैं और का। क्या बात, नेकी और पूछ पूछ। झलक, अरे ओ झलक। अरे ये तो धनवंती की आवाज है। अरे धनवंती अंदर आ जाओ जल्दी, हम अंदर बैठे हैं। नमस्ते भाभी। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। भगवान जल्दी से जोड़ी लगाए आपकी दोनों बेटियों की। पलक दिखाई नहीं दे रही? अरे अपने मामा के घर गई। अरे देख नहीं रहे हो कितना काम पड़ा है, और ऊपर से सोनम के ससुराल वालों को खिलाना भी है। सवेरे से काम में जुटे पड़े हम। मसाला तो पिसाइल है ना कि बाकी है? अरे बाकी है, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम आओगे मसाला पीसोगे। अच्छा अच्छा, सरसों के साथ साथ धनिया मिर्चा हल्दी का पेस्ट भी लगेगा मछली में। हाँ, अगर मछली स्वादिष्ट बनानी है तो। अरे स्वादिष्ट काहे नहीं बनाना है, अरे गांव के दामाद हमरे भी दामाद हुए ना। और ऊपर से पलक ने फोन कर करके परेशान कर दिया, मम्मी ऐसे बनाना, मम्मी वैसे बनाना। तुम ऐसा करो धनवंती, 12 आदमी के हिसाब से मसाला पीसो। 12 लोग? 12 लोगों जितनी मछली तो नहीं है। क्या बात कर रही हो, दिखाओ। दिखाते हैं दिखाते हैं, ये देखो बस इतनी है। हाय राम, ये तो बहुत कम है। अब क्या करें, ये सब घोष बाबू का कारनामा है, तालाब की सारी मछली मर रही है। घोष बाबू ने ना पूरे का पूरा तालाब सड़ा रखा है बस। क्या अब क्या बताएं, घर का सारा कचरा तालाब में डाल दिए थे। बताओ, मना करो तो लड़े हैं, अब आप ही बताओ कि हम काम करें, परिवार संभालें कि लड़ाई करें। बताइए बताइए, आप बताइए। अच्छा हम बताते हैं, तू फिक्र ना कर, हम ऐसा करेंगे थोड़ा पनीर मंगवा लेंगे, ठीक है? ये ठीक रहेगा, थोड़ा सा हम भी चख लेंगे। अरे पहले वो खा ले फिर चख लेना। अरे कहाँ चल दी है? और सुनाओ धनवंती, आजकल किस किस के यहाँ मछली बनाती हो? गांव में जहाँ भी शादी की बुकिंग मिल जाती है ना वहीं बनावट है। और एक बात बताएं, एक गांव के लोग बहुत कंजूस हैं, 50 रुपए देते हैं सारा काम करने के, और मछली के 2 पीस भी नहीं देते खाने को। सच्ची? हाँ। और एक बात बताएं, हम आ रहे थे ना तो फफूंदी की दुकान पे हमको सबने घेर लिया, कहने लगे मछली खिलाओ मछली खिलाओ। अरे पैसे नहीं देने का दिल है तो खुदे बनाओ खुदे खाओ, हम ठीक कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रही हो, कौन कौन थे? हाँ और कौन होगा, हवलदार फफूंदी और मुखिया, सारा दिन बस बकर 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 करते रहते हैं। माँ मैं मुखिया जी के यहाँ जा रही हूँ। अरे बिटिया ये कौन समय है मुखिया के यहाँ जाने का? माँ
दीदी से अभी अभी बात हुई है, तालाब वाली बात पे वो बहुत गुस्सा कर रही थी। मैं आती हूँ मिलके उनसे। हाँ जरा जल्दी आना, हम मसाला पीसते हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ, ठीक है जाओ। ये हल्दी और ये मिर्ची जरा जल्दी करना तुम भी। अभी करते हैं, अभी करते हैं। बताओ कोई है नहीं हाथ बटाने का? गोटी के लिए कहा? का बात कर रहे हो? हम जितेंद्र वहाँ भैया, हम दिखते हैं थोड़ा थोड़ा। मुखिया जी। हाँ करते हैं, बात करते हैं। हाँ गांव के तालाब की सफाई का टेंडर आपको मिला था ना, तो तालाब की सफाई क्यों नहीं हुई? अरे काहे गुस्सा कर रही हो झलक बिटिया, बैठो दो। देखो ये सफाई का काम जो है ना, हम एक बार नहीं दो बार तीन बार कर चुके हैं। अरे कोई सवाल नहीं उठा सकता हम पर। हाँ लेकिन तालाब तो पूरा का पूरा गंदा है। अरे वो पगला घोसवा है ना, वो नाले का पानी तालाब में गिराता है। आप लोग सब बात जानते हैं और सब जानते हुए भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, मैं पूछ सकती हूँ क्यों? अरे बल्लू बोल तो सही। अरे भाई अब हम क्या बोले बताओ, ये मामला पुलिस विभाग का नहीं है, मत्स्य विभाग का है। हाँ। अच्छा बल्लू भैया ये बात आप लिख के देंगे? ए झलक देखो इतना पढ़े लिखे होते ना तो हम DSP होते है। और देखो तुमको ये सब शिकायत करना है ना तो जाके जिला जल बोर्ड में करो। हाँ। उसका ऑफिस लखनऊ में है, और वहाँ से परमिशन लेके आओ, फिर हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। मुखिया जी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आप अभी बल्लू भैया को लेकर घोष जी को समझाने नहीं गए तो मैं पलक दीदी से कह के आपका वोट बैंक बिगाड़ दूंगी। अरे का कह रही हो बिटवा? अरे हम कहाँ मना कर रहे थे, हम चलते हैं घोष बाबू के यहाँ चलते हैं। बल्लू चलिए तो। अरे चलो भाई गोटियों ने खेलने देती है, नाक में दम रख रखी है। चलते हैं भाई, चलिए चलिए चलिए। घोष बाबू घर में है क्या? अरे मुखिया जी प्रणाम 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 प्रणाम, कैसे है ना भाई आप लोगों का है? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ बढ़िया बढ़िया। घोष जी एक बात बताइए, पूरे गांव में सफाई अभियान चल रहा है और आप तालाब को गंदा किए हुए हैं। अच्छा गंदा किए हुए हैं? और जब तालाब में पानी भर जाता है, भर के हमारा घर में घुसता है, तब तो आप लोग नहीं आते ये बोलने के लिए कि चलो पानी हटा देते हैं, घोष बाबू को दिक्कत हो रहा होगा। घोष बाबू अब सरकार बहुत टाइट हो गया है। देखिए घोष बाबू जो भी जल प्रदूषण करेगा ना उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बता दे रहे हम। अच्छा हाँ। ए मदन अरे थोड़ा इन लोगों के लिए रसगुल्ला लेके आओ भाई, ताजा वाला। देखिए ऐसा है कि हमारा बेटा कुंदन को देखने रिश्तेदार लोग आने वाला है, तो हमारा टाइम ना वेस्ट मत कीजिए आप लोग। और एक तो सलाह है आप लोगों को, हमारा फेर में ना ज्यादा पोड़िए मत। बल्लू चलो। अरे रुकिए ना मुखिया जी, घोष बाबू इतना प्यार से रसगुल्ला मंगाए हैं वो क्या खाएगा? अरे फफूंदी का समोसा आगे छोड़ दे। आप लोग यहाँ खड़े होके खाइए रसगुल्ले, मैं चलती हूँ। उदन थोड़ा जल्दी मंगवाइए। हाँ झलक। हाँ दी पहले मेरी बात सुनो। हाँ। दीदी ये घोष जी ना ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, मैं तो बल्लू भैया और मुखिया को लेके गई थी उनके पास। अरे तालाब साफ रखने के लिए मैंने बहुत कुछ कहा उनसे, पर वो तो मानने के लिए नहीं तैयार हैं। आज उनके घर पे ना उनके बेटे को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। एक काम कर झलक, थोड़ा टाइम ले मैं बताती हूँ क्या करना है। अच्छा ठीक है दीदी, चल बाय। पीजे पीजे चाय पीजे महाराज, चाय पीजे चाय। क्या बात है घोष बाबू, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे। नमस्कार 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 नमस्कार। अरे भाई इनका बड़ा टाइट शेड्यूल चल रहा है आजकल। घोष बाबू ऐसा की जिनिस क्या है इसमें? अरे हमारा एक लौता बेटा कुंदन का तिलक है, तो मिठाई है सबको बांटने के लिए, और टिनिया को बोले हैं पूरा गांव में सबके घर में संदेश बांट दे। हम तीनों का यही दे दीजिए। अरे हम दे देता लेकिन कहा है कि मिठाई जो है ना VIP लोगों का। फफूंदी हमारे तरफ से सबको मिठाई खिलाओ। हाँ खिला देंगे। तब तो तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। अच्छा ये बताइए खाने पीने की क्या व्यवस्था है? हाँ ये तो 56 भोग बनवाए हो। बनवा देते 56 भोग ही बनवा देते। लेकिन हम क्या सोचा इतना खाएगा कौन, सब खाना जो है बर्बाद हो जाएगा। तब भी 52 प्रकार का व्यंजन बनवाए। 52 प्रकार समझते हैं? और अपनी समधन जी का विशेष डिमांड कि वो धनवंती के हाथ का ही मछली खाएंगी, तो फ्राई और सरसों वाला दोनों ना है। मतलब छोड़ो छोड़ो है वो भी है। बूढ़ी बाबा
आप लोग खाली खाना पीना के बारे में पूछेगा, लड़की के बारे में कोई नहीं पूछेगा। हाँ, 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 बिल्कुल सही है। 32 का 32 गुण है लड़की में। अरे खूब भालो खानदान, खूब भालो। पता पंडित जी क्या बोला? क्या पंडित जी बोला? कि एक बार ये शादी हो जाएगा ना, तो हमारे ओंगना में पानी नहीं बरसेगा, सोना चांदी बरसेगा। क्या बात है? बाद में बात ये है कि सबको बारात चल रहा है, कोई बहाना चलबे नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल चलेगा। अभी होम चलता है, वो क्या है, बहुत काम है। फफुंदी खुदरा लेके आए नहीं है? सबका पैसा जो है सो समझ गए, पांडे जी से ले लेना। राम राम। आई देखा कितना बड़ा झोलर निकला हो। जैसा हम इसको उधार नहीं देते हैं, बगल जाते हैं, चीरते हैं इसको हम। धनवंती भाभी, अरे झलक तू यहाँ कैसे? अरे आपसे मिलने चले आए बस। अच्छा एक बात बता, मेहमानों ने हमारे हाथ की मछली खाई ना, बढ़िया तो लगी? अरे भाभी पेट भर के खाई और बहुत मजा आया। अच्छा अच्छा सुनो ना, पलक दीदी का फोन आया था। यहाँ का ठीक बो समधीन जी, आज हम बहुत खुश है। आपको पता है इस शादी का चर्चा केवल गांव में नहीं पूरा पंचायत में है। पूछिए मुखिया जी से, घोष बाबू का बड़ा नाम है, सबको बताया कि आपके इधर शादी कर रहा है। इतना खुशी का बात है, आप शर्माए नहीं, खाइए मिठाई। अरे अरे घोष बाबू, आप तो धनवंती के हाथ के मछली की बड़ी तारीफ कर रहे थे, कहाँ है वो मछली? बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मछली भी खिलाने वादा किए हैं, तो पहले मिठाई तो खाइए। मुखिया जी अभी लीजिए। ये लीजिए, धनवंती भी आ गई ना, मछली भी आ गई। आप सबको धनवंती का प्रणाम। आप जानती हैं समधन जी, अरे हमारे हाथ की मछली खाने के लिए ना 2-2 महीने का इंतजार करना पड़ता है। हाँ? इस गांव में मिनिस्टर हो, मंत्री हो, MLA हो, सबके बेटा बेटी की शादी में हम ही मछली बनाते हैं, क्यों घोष बाबू? और नहीं तो क्या? हाँ, और हमारी मछली के साथ साथ लोग उंगली भी चबा जाते हैं। थोड़ा हमें भी टेस्ट करवाओ ना। हाँ। आपके लिए स्पेशल बनाया है। लीजिए लीजिए, जी भर के खाइएगा। मुखिया जी को भी दे दीजिए। हाँ हाँ मुखिया जी, ले जाइएगा मत। बाहर में बोलिएगा मत, आपको नहीं मिला। अरे एक मिनट, हम जानते हैं कि मछली हाथ से खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन ना ये स्पेशल है, इसे कांटा चम्मच से खाना पड़ेगा, स्पेशल डिश है ना। अरे घोष बाबू मंगाइए ना। अरे तिनिया लाओ भाई, थोड़ा स्टाइल से खाएंगे समझी जी। कांटा चम्मच ये लीजिए, लीजिए स्टाइल से खाइए। ये क्या है, ऐसे खिलाते हो? इतनी गंदगी, ऐसे रिश्ते हमें नहीं करने हैं। देखिए संदीप जी, पहले पाल पीजिए, बैठ जाइए संदीप जी, हम माफी मांगते हैं आपसे, बैठ जाइए। देखिए आप ऐसे चले जाएंगे तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा बड़ा वाला, पूरा पंचायत में चर्चा है शादी का। देखिए धनवंती क्या है ये, कैसा मछली बनाया तुम, एक काम करो सारा मछली फेंक दो। अरे कहाँ फेंकेंगे घोष काका, उसी तालाब में जहाँ से ये मछलियाँ मंगाई है। आंटी जी जिस तालाब से ये मछलियाँ आती हैं, उस तालाब को तो इन्होंने नाला बना के रखा हुआ है, और मछलियों को रोज प्लास्टिक खिलाते हैं, तो मछलियों के पेट से प्लास्टिक नहीं निकलेगी तो और क्या निकलेगा। हाँ सही कह रही है ये। घोष काका आपको तो पता ही है, आपके घर का नाला सीधा तालाब में जाके गिरता है, और आपके दुकान की भी सारी गंदगी, चाहे वो पॉलीथीन हो चाहे कोई भी कचरा हो, तालाब में ही फेंका जाता है। इससे पानी तो गंदा होता ही है, मछलियां भी मरती है, उस तालाब का पानी कोई पी भी नहीं पाता, और अगर गलती से पी ले तो बीमार पड़ जाता है। इतनी सुंदर गांव में इतनी गंदगी कैसे हो आप लोग? अरे जिस गांव की स्वच्छता की चर्चा पूरे जिले में होती है, उस गांव में इतनी गंदगी? ऐसे गंदे गांव में मेरे बेटी का रिश्ता मैं कभी नहीं करूंगी। समधन जी देखिए, ये शादी मत तोड़िए, पूरा पंचायत में बदनाम हो जाएगा, हमको फांसी लगाना पड़ेगा, देखिए पूरा बेइज्जती हो जाएगा हमारा, पूरा कमाया है मुझे। मुखिया जी आप समझाइए ना, धनवंती जी आप समझाओ ना, बेटा आप समझाओ ना। देखिए घोष बाबू उठे, अगर आपको माफी ही मांगनी है ना, तो पूरे गांव वालों से माफी मांगिए, और खास करके धनवंती जी से माफी मांगिए। अब देख कर रहे हैं, मांगिए ना माफी।
धनवंती हमको माफ कर दो बेटा, हम भी हमको माफ कर दो, आप सब हमको माफ कर दो। ठीक है काका, आपको आपकी गलती का एहसास है तो हम सब आपको माफ कर देते हैं, लेकिन सजा तो आपको मिलेगी जो मुखिया जी सुनाएंगे। सजा? और आपकी सजा ये रहेगी, हर महीने तालाब की सफाई करनी पड़ेगी। और वादा कीजिएगा कभी गंदगी नहीं फैलाएंगे। अरे वाह मुखिया जी, आपने जिंदगी में पहली बार अकल की बात की है ना? हाँ। आज हम भी अकल का बात करेगा, हम वादा करता है हम कभी गंदगी नहीं फैलाएगा और महीने में बल्कि दो बार साफ करेगा तालाब। आप तो मान जाइए समझे। मान जाइए ना आंटी जी। ठीक है, अब सब मान गए हैं तो ठीक है, आगे के रस्म पूरी की जाए। धन्यवाद। अब इस खुशी में धनवंती की तरफ से मछली की पार्टी पूरे गांव को फ्री। आप भी आइएगा मुखिया जी। हम तो पहले आएंगे। घोष बड़ा चालाक खिलाड़ी, सब लोगों को समझे नाड़े, सब गद्दा तालाब में बहावे, सब लोगों को धता बतावे। अरे मछली खाने का शौकीन, काम करे पर सबसे हीन, पर्यावरण का बन गया दुश्मन, इसको फंसाया चाल में भुवन। अरे टूटी शादी हुआ बदनाम, पुलिस बुलाई बिगड़ गया काम, गलत काम पर दंड लगाया, एक साल का जिम्माया, साफ करे तालाब को रोज, पलक भुवन का बन गया बोझ, खुद को समझे बड़ा खिलाड़ी, उसने ही ये बाजी हारी, कसम खाई अब ये न करेंगे, तालाब को भी स्वच्छ रखेंगे। अरे खुश पड़ा चालाक खिलाड़ी, सब लोगों को समझे नाड़ी, खुश पड़ा चालाक खिलाड़ी, सब लोगों को समझे नाड़ी। गली गली शहर शहर, ऊंचा ऊंचा हर गांव रे, गंदगी फैला रही है अपने पांव रे, आलस हमको है हम नहीं सुधरेंगे, घर के कचरे को सड़क पे फेंकेंगे। अलविल गंज के अलविल लोग है, अलविल लोगों के अलविल शौक है, कहते हैं जो नहीं सुधरेंगे बाप के अब डंडे पड़ेंगे। ये देश भी तो जब जागो तब सवेरा, बापू के चलो हमरा चले, आओ मिलो चलो साफ करें, चलो साफ करें, चलो साफ करें, चलो साफ करें।